सुनिए क्या 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 व्यवस्था ये कही थे काठ कोठबा हाँ पचे कम मिल जाए नेरे नगीचे तो मना ही रहा है रात के। हम लोग भी रिक्शा चलाए थे, रिक्शा में परेशान रहे थे ठंडे माने, हम लोग को भी कम्बल चाहिए, रिक्शा वालों का मेहनत मजदूरी करते काम धंधा ठंडे में कुछ नहीं मिल पाता, परेशान रहते हैं। आप कहाँ, आप इनके पास छत नहीं है तो क्या ये किसकी जिम्मेवारी है कि इन्हें छत मुहैया कराई जाए, ये किनकी जिम्मेवारी है कि इन्हें रहने को घर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, ठंड से जूझ रहे हैं लोग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। इस वक्त हम रीवा के साई मंदिर के पास मौजूद हैं। कड़ाके की ठंड है, रात का अभी पारा चढ़ना शुरू हुआ है, तापमान करीबन 60 डिग्री सेल्सियस है और हम यहाँ मौजूद हैं यहाँ के लोगों से जानने के लिए कि प्रशासन नगर निगम के द्वारा क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं, जो गरीब वंचित लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस कड़ाके की ठंड में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। आइए जानते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ये अलाव जो है हाँ। इसकी व्यवस्था किसके द्वारा कराई गई है? शासन के, प्रशासन के द्वारा हाँ। और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और व्यवस्था सब है, खाने पीने का सबका है, सबका व्यवस्था है हाँ, कम्बल सबका है। कम्बल नहीं मिला है, कम्बल नहीं मिली, नहीं को नहीं पाना, हम तो भाई हम कम्बल नहीं आता, कम्बल नहीं मिल रही है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कम्बल ये नहीं मिला हाँ। और सब चीज़ की व्यवस्था हाँ बोलिए। कम्बल हम लोगों को चाहिए, ठंडी पड़ रही है, हम लोग यहीं पे सोते हैं, इसलिए कम्बल की व्यवस्था हो जाती तो अच्छी बात होती, बस यही कहना था हमको। सुनिए हाँ। क्या 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 व्यवस्था? कही थे काठ कोठबा हाँ पचे कम मिल जाए नेरे नगीचे तो मना ही रहा है रात के, अब इनसे आगे तापत बैठ रही था हाँ लाला या कही थे। तो आप लोग सब यहीं पर अभी सोते हो रात को? हाँ रात के ही थे, मने पड़ा रहा था ऐसे आगे तापी बैठ रही थे तो आगे ना तापी कहूँ मने की व्यवस्था हो जाए काठ कोठबा मिल जाए लाला तो मन ही रहा है। नगर निगम के द्वारा हालांकि अलाव की व्यवस्था की गई है लेकिन कुछ और मांगे भी हैं, जैसे छत की व्यवस्था चाहिए इन्हें, कंबल बोला जा रहा है कि कंबल मिला है, और जानते हैं। हम लोग भी रिक्शा चलाए थे, रिक्शा में परेशान रहे थे ठंडे माने, हम लोग को भी कंबल चाहिए, रिक्शा वालों का मेहनत मजदूरी करते काम धंधा ठंडे में कुछ नहीं मिल पाता, परेशान रहते हैं। आप कहाँ, आपका घर छत कहाँ, आप सोते कहाँ? हम सोते हो गए यही रिक्शा में, सोते फुटपाथ में सोते रहते हैं, ऐसे रिक्शा चलाते हैं नाइट में, दिन में भी। आपने ये सब प्रशासन को कही है? जी सर, शासन व्यवस्था की अलाव की, शासन प्रशासन से ही हमारा निवेदन है कि हमारे को शासन प्रशासन दिया जाए हमको गरीबों को, नहीं जो कुछ भी है कंबल की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था हाँ। किया जाए हमको नहीं। तो रिक्शा वालों को भी और जिनके पास घर नहीं है, जो रिक्शा चालक हैं उन्हें भी ज़रूरत है कंबल, और जिसकी वो मांग उठा रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। हम यह चाहते हैं हमको होना चाहिए जाड़े को आए, लकड़ी चाहिए तापे को आए, रहने को छाया चाहिए, रहने को छाया चाहिए, छत चाहिए हाँ, और आए और खाना चाहिए, खाना चाहिए हाँ, कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए हाँ। यहाँ हदा लपट पड़ती है, सियान पौते नहीं आई, जैसे हदा बुढ़ी है आए, हम पचे हदा कुछ नहीं पान ते लाबा लपट लीन आए, हम पचे का पाई थी, लड़का बहिया लपटाती हाँ, बूढ़ी बा कोहू नहीं पाती हाँ। तो जैसा कि कड़ाके की ठंड है, लोग ठिठुर रहे हैं, कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं जिनसे ये वंचित हैं, छत नहीं है, हालांकि कंबल शासन के द्वारा प्रशासन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं अलाव दिया गया है, लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है कि प्रशासन के द्वारा क्या ये सुविधाएं काफ़ी हैं इस कड़ाके की ठंड में, जब 7 डिग्री टेम्परेचर है, हाथ ठिठुर रहे हैं, हड्डियाँ काँप रही हैं, तब क्या प्रशासन के द्वारा इस तरह की व्यवस्थाएँ, ये जो रात को यहीं, इनकी रात यहीं बीतती है, इनके पास छत नहीं है तो क्या ये किसकी जिम्मेवारी है कि इन्हें छत मुहैया कराई जाए, ये किनकी जिम्मेवारी है कि इन्हें रहने को घर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, ठंड से जूझ रहे हैं लोग। और आइए हम बात करेंगे कि यहाँ कुछ दुकान है, प्रमुख साईं मंदिर के पास कुछ दुकान है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या व्यवस्थाएँ हैं, ग्राहकों का क्या रवैया है ठंड को लेकर, आइए जानते हैं। ये फूल की दुकान है साईं मंदिर के पास, हम इनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है ठंड से? ठंड तो बहुत है भैया, व्यवस्था कुछ नहीं है, व्यवस्था कुछ नहीं है, देख रहे हैं पब्लिक नहीं दिख रही मार्केट में,
मतलब ग्राहकों में कमी आई ठंड में? कमी आएगी ही, पब्लिक निकली नहीं रही है ठंड के मारे घर से। और प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो आप पीछे जला रहे हैं ये सब? ये सब अपने से जला रहे हैं भैया। वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा व्यवस्था कराई गई है, देते हैं ना गरीबों को, दिया जाता है नगर निगम के द्वारा। आप लोगों के लिए कुछ नहीं? हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आइए आइए। फुटपाथ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा व्यवस्था कराई गई है। गरीबों के लिए जो फुटपाथ में भीख मांगते हैं उनके लिए, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं। जो यहाँ पर दुकानदार हैं उन्हें भी हैं, इनका कहना है कि व्यवस्था इनके लिए कोई खास नहीं है, ग्राहकों में कमी आई है, ठंड काफ़ी है, लोग जो है वो ठंड को लेकर सतर्क हैं, इसलिए इनके पास अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, और प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि अभी शहर में रात का वक्त है, ठंड काफ़ी है, तो आप देख रहे होंगे कि लोग काफ़ी कम हो गए हैं। और कुल मिलाकर बात यही है कि प्रशासन को अभी कुछ और व्यवस्थाएँ भी बनानी होंगी, क्योंकि जो दुकानदार हैं उनकी भी मांगें कुछ हैं, जो लोग वंचित लोग हैं जिनके पास छत नहीं है उनकी भी कुछ मांग है। इन प्रमुख मुद्दों और मांगों पर प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, 7 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा तापमान गिर चुका है, और जल्द से जल्द इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।